तो फ्रेंड्स, हम आज ना कंपटीशन करने जाने वाले हैं इन दो गोलगप्पों में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्रंची और सूजी के हैं और ये तो आटे के हैं और ये भी क्रंची है, पर ये एक्सपेंसिव है, ये चीप है। लेकिन क्वालिटी मेरे को तो बड़ी पसंद है। क्रंची आपको देखना फ्रेंड्स, देखो कितने क्रंची है, इसके भी क्रंची है, इसकी इतने आवाज नहीं आ रही ज्यादा। तो मेरे आलू तो है आलू प्याज के परांठे वाले और इतने स्पाइसी होते हैं कि मजा ही आ जाता है। मेरे आलू है नॉर्मल वाले, बॉइल्ड बॉइल्ड और पानी बच्चों वाले। हाई फाई रेट का यही होता है। और ये मेरा पानी यमी, मेरा पानी खट्टी मीठी इमली वाला। क्वांटिटी की बात करें तो ज्यादा मेरा है। गोलगप्पों की भी क्वांटिटी में बात करें तो इसके में ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपेंसिव है ना। अब हमारे तो चलो खा के बताओ फ्रेंड्स, इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर हम रोड साइड पे जाके खाएंगे इनको तो हमें सूखी पूरी भी मिलती है जो कि इसमें नहीं। ओके लेट्स ट्राई। चलिए ट्राई करो फटाफट, किसका बेस्ट है। मैं ले आई हूं अपनी कटोरी और आलू भरे 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 आराम से इसमें एक माइनस पॉइंट भी है रोड साइड वाले में, इसमें मीठी सॉस नहीं मिलती। मम्मा मिलती है बट मैंने अभी डाली नहीं क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। ओके बट ऑलमोस्ट जगह पे नहीं मिलती। फ्रेंड्स आपको पता है कावे ने तो शुरू भी कर दिया। फ्रेंड्स देखो इसकी कितनी डार्क है और हमारे रोड साइड वाली ना सिंपल होती है, मतलब अच्छी लगती है, बस खट्टी मीठी होती है। चलो चलो किसके अच्छे हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, आटे के या सूजी के। और इन दोनों को, एक को आटे का अच्छा लगता है और एक को सूजी के। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।